नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। बड़ी खबर कोयला घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर स्टे लगाने के लिए नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। निचली अदालत में कोयला घोटाले में लगे आरोप को जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक निचली अदालत में सुनवाई पर स्टे मांगा था और इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी महेश गुप्ता दे रहे हैं। महेश, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जो निचली अदालत में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दिल्ली की, उसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं जिंदल पे और जो इसमें जितने भी बाकी एक्यूज हैं सभी के ऊपर। तो उन जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं निचली अदालत के आदेश के खिलाफ, जो है जिंदल और बाकी एक्यूज सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, उनकी याचिका यहाँ पर दायर है जिसको हम अपील कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मामले को आज जो जस्टिस लोकूर है जो कोयला मामले को सुनते हैं कोयला घोटाले को, वो आज कोर्ट नंबर 5 में बैठे हुए थे, तो उनके यहाँ पे लगाया गया था। उन्होंने कहा इस मामले को हम 23 तारीख को सुनेंगे, जब प्रॉपर कोयला जो घोटाले की जो बेंच है जो पुराने कोयला घोटाले के मामले को सुन रही है। तो इस बीच जिंदल के जो वकील है उन्होंने मांग की थी कि जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, हियरिंग हो रही है, उस पर जो है स्टे कर दिया जाए, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब भी कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो यही मांग करता है कि जो भी उनकी अपील है जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता तो लोअर कोर्ट में जो भी हियरिंग हो रही है उसको स्टे किया जाए। लेकिन आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया है और इस मामले को जो अगली डेट 23 जनवरी लगा दी गई है। तो अब इसमें अगली सुनवाई में क्या डेवलपमेंट रहेगा महेश? देखिए, अगली सुनवाई में यही होगा कि जो उन्होंने निचली अदालत ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं उस चार्जेस को कहेंगे कि निचली अदालत ने चार्जेस गलत फ्रेम किए हैं, हमें डिस्चार्ज किया जाए, हमें आरोपों से मुक्त किया जाए। और अगर कोर्ट उसके बाद अगली डेट लगाती है, जाहिर सी बात है कि इसके लिए कई डेट लगती है, एक डेट पे ऐसे फैसले नहीं आते हैं, तो उनके वकील फिर दोबारा से मांग करेंगे जिंदल के वकील कि जो अगली सुनवाई होगी और तब तक जो है लोअर कोर्ट में अगर हियरिंग चलती रहती है तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए लोअर कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो अब देखते हैं कि अगली डेट पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका नवीन जिंदल को।